छोटे पप्पी में फर्स्ट टाइम एग कैसे खिलाएं या स्टार्ट कैसे करें एग खिलाना। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट योगेश कुमार। आई वेलकम योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज बानसुर पेट शॉप क्लिनिक। डियर फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी होती जा रही है, थैंक यू फॉर आपका सपोर्ट के लिए। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि छोटे पप्पी में फर्स्ट टाइम एग कैसे खिलाएं या स्टार्ट कैसे करें एग खिलाना। डियर फ्रेंड्स, आप उसको एग के जो छिलका होता है उसको छील करके और उसका आधा यानी 50-50 भाग करके और उसके जो भीतर जो पीला पीला हिस्सा आता है वो कुत्ते को नहीं खिलाते। बड़े कुत्ते को तो आप खिला सकते हैं, बाकी छोटे को नहीं खिला सकते। और उसका जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो आप अपने डॉग को खिला सकते हैं। केयरफुली कि आप अपने कुत्ते को या पप्पी को ज़्यादा ना दे, फर्स्ट टाइम खिला रहे हो आप तो उसको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें जिससे कि वो खाने लग जाएगा और धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये खा रहा है। और दूसरी बात, आप उसको ये ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ दें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप फूड खिला रहे हो तो फूड में भी उसको हर चीज़ मिलती है, विटामिन प्रोटीन हर चीज़ जो कुत्ते को आवश्यकता होती है वो उसको सारी चीज़ें उसको मिलती हैं। और आप उसको एग खिला रहे हो तो उसको एग को अच्छी तरीके से फोड़ करके बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके फिर अपने पप्पी को के पास में रखें या सर्व करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा उसे प्रेस करें और लाइक करें। और हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो करें, हम डॉग रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे को शेयर करें, हम आपको ज़रूर आंसर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देखते हैं कि डॉग को कैसे दें, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट आप इसको जिसमें आप खाना खिलाते हैं उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए जिसमें कोई बैक्टीरिया या कुछ भी ना लगे। और फर्स्ट हम अब इसको छिलके को उतारेंगे। कभी भी छोटे पप्पी को ये जो बाहर का छिलका होता है इसको नहीं देना चाहिए। और अब इसको हम उतार के और अब इसमें देखोगे कि ये भीतर में जो पीला पीला है, आप कभी भी अपने पप्पी को ना दें और इसको अलग रख दें। और आधा फर्स्ट टाइम आप उसको आधा एग दें और आप थोड़ा स्टार्टर यानी आप इसको खाना दें जिससे कि आप उसमें थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। और आप इसको अच्छी तरीके से फोड़ कर मैश कर दीजिए आप जिससे कि ज़्यादा छोटे पप्पी को खाने में आसानी रहे और अच्छी तरीके से मिला दीजिए। और इस ज़्यादा छोटे पप्पी को आप आधा ही दे, समथिंग 40 से 45 दिन का पप्पी हो आप उसको खिला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसको आधा एग दें और उससे यानी 50 से 70 डेज के बीच में आप पूरा दे सकते हो। अब हमारे पास में उसके समथिंग उसकी एज 2 महीने की समथिंग है, हम उसको एग खिलाएंगे जो कि उसके पार्गो हो गया था। और आप उसको अच्छी तरीके से मैश कर दीजिए जिससे कि उसको प्रॉब्लम ना आए, फर्स्ट टाइम आप उसको खिला रहे हैं। जब आप इसको फर्स्ट टाइम खिलाएं तो आप इसको इसके नीचे अखबार यानी न्यूज़पेपर रख दीजिए और अब ये खाना खाने के लिए
तैयार है। जब ज़्यादा छोटे पप्पी होते हैं तो इसमें अपना पैर डालते हैं, वो प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप इसमें न्यूज़पेपर नीचे बिछा दीजिए कि वो फर्श भी गंदा ना हो और आपकी इतनी प्रॉब्लम भी ना आए। और अब ये खाना खा चुका है,